मिररिंग इनसाइट, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है या फिर आपसे जो भी चीज़ कनेक्ट होती है या फिर आप जिससे भी कनेक्ट होते हो, आपको हर एक चीज़ जो है मिरर करती है। आप जैसे हो खुद के अंदर, आपके बाहर आपको वैसा ही जग दिखता है। मतलब आपके ब्रह्मांड जो अंदर है आपका इज इक्वल टू आपको जो भी बाहर दिखाई देता है। टाइप्स ऑफ पर्सन्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ उनके परसेप्शंस रहते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस रहते हैं, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज रहते हैं। तो आप कौन सा वे चूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा चूज़ करते हो। तो आपको अगर बहुत ब्लेमिंग करना अच्छा लगता है तो आप देखो कि आप वही सिचुएशंस में ज़्यादा फंसते जाओगे या फिर आपके पास वैसे सिचुएशंस आती जाएंगी। और अगर आप एप्रिसिएशंस में रहते हो देन आपको वैसे चीज़ें जो है अनुभव करने मिलती है। यहाँ पे मैं अच्छी चीज़ें बुरे चीज़ों का नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर कभी कुछ आपके साथ बुरा नहीं होता है देन आपको अच्छा क्यों हुआ ये आपको समझ नहीं आता है। तो ये एंगल आप हमेशा ज़रूर लगाना। अच्छा होता है इट्स रिवॉर्डिंग, बुरा होता है स्टिल आपको लगता है कि अभी आपके साथ वो बुरा हुआ है, बट स्टिल अगर आप वो लार्जर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, इट हैपन्ड फॉर सम रीज़न और आप उसमें से कुछ सीखे, इसके लिए वो कुछ हुआ। बिकॉज अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो आप नहीं कनेक्ट होते, बहुत सारे जन का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है माइनर से, और एक वो चीज़ कम्प्लीट होती है, फिर आपके सामने वो चीज़ जो है प्रेजेंट होती है। तो हर एक घटनाओं को, हर एक आपके साथ जो होता है, आप थोड़ा सा उस पर एनालाइज़ कीजिए, आप थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए आपके लाइफ में, आप कॉन्शियस हो जाइए थोड़ा सा। अगर आप ये कॉन्शियसनेस लाओगे देन आप देखोगे कि ओ आपने ऐसा सोचा था इसके लिए ऐसा हुआ, ये आपको समझ आएगा। सो यूनिवर्स को नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जैसा भी थिंक करोगे, आप जो एनर्जी में रहोगे ज़्यादा टाइम, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी और आपको वैसे पता चलेगा। आप कुछ वीडियोस देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियोस कई लिंक की है, आप वो चेक करना। एक पास्ट लाइफ का है, मेंटल हेल्थ का स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, ये देख लेना। कॉमनली आपको एक आइडिया आ जाएगी कि येस हाउ यूनिवर्स वर्क्स, बिकॉज बहुत बारीक बारीक चीज़ें रहती है जो अगर आप नोटिस नहीं करोगे ना तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप बाहर का वर्ल्ड कितना भी सुधारने जाओ बट जब तक आपका इनर बैलेंस नहीं होगा ना, आपका आउटर वर्ल्ड नहीं सुधरेगा। तो लाइफ आपके साथ जो भी सर्कमस्टेंसेस लाती है, आपके सामने जो भी आता है, आपको लाइफ को इजीली, बहुत इजीली स्मूथली अनफोल्ड करना आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग और इट इज़ अ गुड मेथड, राइट। अगर आपको इस लाइफ के गेम में डाला गया है और अगर आपने ये चूज़ किया है कहीं ना कहीं, देन आप पहले एक्सेप्ट करो कि यस मैंने ये चूज़ किया है और दिस हाउ आई हैव चूज़ कि मेरी लाइफ ऐसे अनफोल्ड होनी चाहिए। तो अगर आप अवेयरनेस में आओगे, एक्सेप्टेंस में आओगे ना, तो आप चिड़चिड़ नहीं करोगे या फिर आपका जो बहुत रिएक्टिंग मोड रहता है कि उसके वजह से ऐसा हुआ, आप उसके वजह से वैसा, आप उस सारी चीज़ों से ना जो बाहर आ जाते हो। बिकॉज अगर आपको पता है, ये बहुत कहावत है कि उंगली अगर हम किसी को दिखाते हैं तो चार उंगली अपने पास रहती है, राइट। तो आप जैसे होगे सामने वाला आपके साथ वैसा रिफ्लेक्ट होगा। कोई आपको जो है लर्निंग कराता है, कोई आपके सपोर्ट सिस्टम में रहता है, कोई आपको अपग्रेड करता है, कोई आपको सपोर्ट करता है। हर एक जन अपना अपना जो है काम कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो। सो जस्ट मेक श्योर कि आप आपका काम अच्छा करो। और अगर मिररिंग हो रही है देन अगर आप थैंकफुल की एनर्जी, जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालोगे वो आपको बाहर मिलेगी। किसी भी सिचुएशन में अड़के हो तो आप खुद के इमोशंस को चेक किए कि यस ये ऐसा क्यों हुआ है। आप थोड़ा सा एनालाइज़ कीजिए कि ओके मैं ऐसा हूँ, इसके लिए शायद ऐसा हुआ। देन जस्ट बी सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर, आप सीखे हो या एक्सेप्ट करना और जस्ट रिलीज़ वो एक जो हार्ड एनर्जी रहेगी उसको रिलीज़ करना। अब ये जो स्टेप्स है ना, आप जब ये लगाते हो फिल्ट्रेशन हर मोमेंट में जब आपको ज़रूरत होती है, और आप जब प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे ना, ना कि पास्ट ना कि फ्यूचर में कि मेरे साथ ऐसा था इसके लिए ऐसा हो रहा है, नहीं। आप जब भी चाहिए आपको माइंड को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। जब आपको मेमोरी चाहिए पास्ट की, आप वहाँ पे क्लिक करोगे। जब आपको फ्यूचर का कुछ एनालाइज करना है तब आप फ्यूचर में क्लिक करोगे।
और एल्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना आना चाहिए। ये जो स्विच है ना, पास्ट एक्सेस फ्यूचर एक्सेस, आपको माइंड का जो सिस्टम दिया है एज अ ह्यूमन, आपके पास इनफ अच्छी कैपेबिलिटी है, तो इसको एक्सेस करना, इसका की आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको चाहिए आपको उसको स्टॉप करना आना चाहिए, जब आपको चाहिए उसको आपको स्टार्ट करना आना चाहिए। सो जस्ट मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों का अनफोल्डिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर रहे हो, और आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप क्या इंटेक कर रहे हो, आप क्या बाहर रिसिप्रोकेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों का एनालाइजेशन कीजिएगा और आपका लाइफ अनफोल्ड करना इन अ हैप्पी वे। आई होप आपको इसमें से कुछ इंसाइटफुल मिला हो, और बाकी जो मैंने वीडियोस पिछले बार शेयर की है वो चेक करना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको थोड़ा सा सर्चिंग मोड आपका कम होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोस लिंक्ड की रहती है, आप वो भी ज़रूर चेक करना, थोड़ा सा खुद पे स्टडी करना। दिस इज़ ऑल आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू। साथ ही साथ मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि अगर आप खुद से बातें करते हो, कैसे खुद के साथ आप कैसे वर्ड्स यूज़ करते हो, ये बहुत मायने करता है। आप ये वर्ड अफर्मेशन यूज़ कीजिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग माई जर्नी। आप देखिए ये सेंटेंस में कितना पावर है, राइट? आई एम अंडरस्टैंडिंग माई जर्नी, आई एम इनफ, आई एम कम्प्लीट। तो आपको जो भी लैंग्वेज है आपका मदर टंग में, आपको जो भी मतलब आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, अगर आप उस लैंग्वेज के इमोशन से कनेक्ट हो पा रहे हो, देन आपको इजी हो जाता है हर चीज़ समझने के लिए। सो बेसिक थोड़े से एग्जांपल्स अफर्मेशंस यूज़ कीजिएगा जो आपको शेप कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड टूल कि आप खुद से कैसे बात करते हो, तो अफर्मेशंस वैसे यूज़ कीजिएगा, एक बहुत अच्छा टूल है। बिकॉज मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत कनेक्टेड है अफर्मेशन से। आई जस्ट टोटली अफर्मेशन के पावर पे मैंने बहुत बिलीव किया, आई एम श्योर इट वर्क्स। और अगर आप खुद का सेल्फ टॉक इम्प्रूव कर लोगे और अगर अफर्मेशंस का पावर यूज़ करोगे, देन यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ ये क्या हो रहा है और आपके साथ ये क्यों हो रहा है। सो जस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। थैंक यू एंड प्रणाम।